हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक समथिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्लेन सरफेस। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेन सरफेस हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्रेंड्स, इसका अंडरस्टैंड करने का इम्पोर्टेंस ये है कि आने वाले जिस क्वेश्चंस में जो है हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, सो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो रेक्टेंगल क्या है? दिस रेक्टेंगल है, दिस इज द रेक्टेंगल एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई वाई एक्सिस। नाउ दिस डेप्थ इज डी and this width is b and depth is d. now friends, this center to base, what is the height? Center to base is, suppose this is x distance, so kya ho jayega cg from the base, the center of gravity from the base kitna hai? x is equal to, this is half distance, so kya ho jayega d/2 hoga। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? विड्थ इंटू हाइट और वी कैन से डेप्थ, सो एरिया हो जाएगा बी इंटू डी। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सीजी एंड पैरेलल टू बेस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, सो इस एक्सिस के अबाउट जो है पैरेलल टू द बेस है, इसके अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई जी इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12 एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, तो इसके इस बेस के अबाउट बेस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बी डी क्यू बाई 3। ओके फ्रेंड्स, सो रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या देखा? दिस इज द रेक्टेंगल जिसका डेप्थ एंड डेप्थ डी, विड्थ बी है, दिस सेंटर टू बेस कितना है? डिस्टेंस d/2 है, एरिया बी डी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई जी इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12 है। जब हम एक्सिस पे ले रहे हैं, जब हम बेस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 3 होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ ट्रायंगल के केस में क्या होता है फ्रेंड्स? दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द बेस इज इक्वल टू बी, दिस इज द हाइट h and we noted friends center of gravity, center point of this triangle is equal to this distance x is equal to क्या होता है? x कितना होगा? this x this cg to base, this distance कितना होगा? x is equal to h/3 होता है and from this point to this point कितना होता है? 2h/3 होता है। so base से cg कितना होगा? h/3 होगा। एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 b इंटू h होता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? bh³ / 36 होता है इन द केस ऑफ ट्रायंगल एंड ऑन द बेस कितना हो जाएगा? और हम बेस के अबाउट बेस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? bh³ / 12 होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सर्किल। थर्ड पॉइंट इज दैट फ्रेंड्स सर्किल, सो सर्किल के केस में क्या होता है? दिस इज द सर्किल, इट्स डाया इज डी, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई वाई एक्सिस। सो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सेंटर सीजी टू दिस पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस एक्स इज इक्वल टू d/2। एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एरिया इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अबाउट एक्सिस πD⁴/64 एंड इसमें तो ये नहीं लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस इज द फोर्थ पॉइंट, सो ट्रेपेजियम। इन द केस ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फ्रेंड्स? दिस इज द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम, दिस बेस इज, बॉटम बेस इज b एंड टॉप एज इज a, हाइट इज h। सो फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू बेस कितना डिस्टेंस हो जाएगा? x, सो x की वैल्यू कितना होता है? 2a + b/a + b ब्रैकेट h/3 एंड एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एरिया इज इक्वल टू 1/2 in bracket a plus b into h. And the important point is that friends, this ig value कितना होता है a square plus b square plus 4ab bracket and divided by 36 a plus b into bracket this one h cube. So ig is important friends because we have to remember this value in the case of trapezium. So ig equal to a square plus b square plus 4ab divided by 36 a plus b bracket h cube. So this is important point friends. So friends, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए friends, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए friends. Friends, this data is very very important. That's why I am explaining. Okay friends, thank you.